एक्सरसाइज 21A क्वेश्चन नंबर 3 था ना। देखो द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 5:3 इफ इट्स पेरिमीटर इज 128 मीटर फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फील्ड। यानी कि ये जो तुमको रेशियो जो दे रहा है वो इसके लेंथ और ब्रेथ का है। पहला को लेंथ मानना है, ठीक है, पहला को लेंथ मानना है। ये जो है ना 5, इसको लेंथ मानेंगे और इसको ब्रेथ मानेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है ना, 3 का आंसर, ठीक है, 3 का आंसर। चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे कि जो रेशियो दिया रहेगा, रेशियो उसमें से जो पहला है वो क्या, लेंथ, यानी एल। एल कितना है, कम इन 5x, x करके उसको अलग करेंगे, ठीक है। एंड द ब्रेथ इज 3x, और पेरीमीटर तुमको दिया गया है, पेरीमीटर कितना दिया गया है, देखो यहाँ पे 128 मीटर तुमको दिया गया पेरीमीटर। अब बस इतना दिया हुआ हो गया, अब कुछ करना ही नहीं। सबसे पहले हम लगाएंगे पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि देखो पेरीमीटर तुमको पहले से दिया गया है तो यहां पे पहले यही लिख लेना, पेरीमीटर कितना दिया है रेक्टेंगल का, 128, ठीक है, मीटर में। अब फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का, कल ही ना बनाई हो, भूल गई हो, देखो इधर 2 × L + B इज इक्वल टू 128 होगा यहाँ पे। अब 2 तो 2 रहेगा, 2 तो 2 रहेगा, 2 तो 2 रहेगा ना, ठीक है। अब लेंथ, लेंथ कितना यहाँ पे दिया हुआ है, 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस बी। ब्रेथ कितना दिया गया, 3x, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x, ठीक है, ब्रैकेट बंद, इधर हो गया 128। अब इन दोनों को जोड़ दो, अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, ये इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा 128/2, और इधर दोनों को जोड़ देना है, ठीक है, 5 और 3 8x, ठीक है। अब इसको काटो, 2 × 2, इसको काटो कितना बार में आएगा, 128 का आधा कितना होता है, 12 का आधा 6 और 8 का आधा 4, 64, ठीक है। तो 8x इक्वल टू 64 हो गया, कम इन, हल्ला नहीं करोगी जी, बैठो शांति से। तो ये 64 है, इधर ये 8x है ना, तो ये 8 × में है x के साथ, दूसरा तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी बटा में हो जाएगा 8, ठीक है, इधर बच गया हमारा x। अब काट लो, 8 के टेबल में 64 कितना बार मारता, 9 मारेंगे बरामार, 8 × 8 = 64, टेबल भी याद नहीं तुमको, 8 बार में हो गया x इक्वल टू 8। अब 8 आ गया तो हमको क्या निकालना था, बोला था डायमेंशन याद कीजिए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फील्ड। तो डायमेंशन मतलब वही लेंथ और ब्रेथ, तो हम लोग पहले हमको लेंथ पता करना था ना, तो एल इक्वल टू क्या दिया हुआ था, 5x, तो 5 और x के बीच में इंटू का साइन छिपा रहता है, ठीक है, 5 और x होगा और 8, x का बराबर कितना है 8, 8 लिखे, 5 × 8 = 40 मीटर, क्योंकि मीटर में ही था ना दिया हुआ, ये मीटर में था ना, यहाँ पे देखो मीटर में है तो इसलिए भी इसका मीटर में रहेगा। और b यानी ब्रेथ कितना दे रहा था, 3x, देखो यहाँ पे कितना है, 3x, तो यहाँ पे हम लोग 3x लिखे, यानी 3 × x के जगह 8 लिखेंगे, 8 × 3 जा कितना हो जाएगा, 24 मीटर, यानी लेंथ हमारा 40 मीटर और ब्रेथ 24 मीटर, यही हो गया आंसर। समझ में आया,